I think, Mr. Raghav, you can stand now. Come on, Raghav, come on. Come on, come on, you can. Yes, yes, come on. Come on, Raghav. नहीं हो पा रहा डॉक्टर साहब, हमने जो पिछले टेस्ट करवाए थे उसका रिपोर्ट। मिस्टर राघव के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। ही इज एब्सोल्युटली फाइन। बस इन्हें एक पुश की जरूरत है, जिसे हम इमोशनल स्टिम्यूलस कहते हैं, जैसे कोई उत्तेजना, कोई मोटिवेशन जो इन्हें वापस चलने में सहायता करे। कम ऑन राघव, स्टैंड। आई नो यू कैन डू इट। यस, ट्राई। कम ऑन, आई विल हेल्प यू। कम कम। Raghav, come on, try. Yes. Yeah. Almost there. It's okay. At least I could stand for even some time. Riva, kitna time hua tha? 4 seconds. वही 4 सेकंड नहीं हुए थे, 4.5 सेकंड हुए थे, मैंने खुद गिने। राइट डॉक्टर, 4.5 सेकंड, इट्स एन इम्प्रूवमेंट। यस यस, गुड एफर्ट्स। दादी डोंट वरी, एंड एनीवे आज सेलिब्रेशन का दिन है, डोंट यू नो, चलो घर चलो, आ जाओ, लेट्स गो होम गाइस। हाँ जरूर सेलिब्रेट करेंगे, पर आज नहीं। नो दादी, रीवा एक्सप्लेन करना। दादी डैड सोबर होके 1 साल हो चुके हैं। वी हैव टू सेलिब्रेट टुडे, वी हैव टू मोटिवेट हिम, पुश हिम, या चलो लेट्स गो। चल चल चले। यस, इट्स अ गुड डे, इट्स अ बिग डे। यस, इट्स अ बिग डे, इट इज अ बिग डे। काजू बाहर जाके सबको बोल दे कि हम लोग आ रहे हैं। ठीक है खाना। पुशाय। हाँ माँ। एक बात पूछू? पूछो। तुम्हें लगता है ना तुम दोबारा कभी प्यार नहीं कर पाओगी? पर ऋषि अलग है, वो जिंदा दिल है, जैसे कि पूरी दुनिया में प्यार और खुशियां बांटता फिर रहा हो। वो प्यार तुम्हारी जिंदगी में दोबारा ले आएगा, देखना, और तुम्हारा दामन खुशियों से भर देगा। खुश तो हूं मम्मा, पर प्यार प्यार पर मानो यकीन ही ना रहा हो। पर ऋषि प्यार में यकीन करता है, पुशाय। करता है, जानती भी हूँ। बताया था ना मैंने आपको, जब मैं उसे चिनार का पत्ता लेके मंदिर लेके गई थी। ये पत्ते इसी मौसम में रंग बदलते हैं। कहते हैं इन चिनार के पत्तों पे अपने दिल की ख्वाहिश लिखे और उस पेट से बांधे तो मन्नत पूरी होती है। क्या बात कर रही हो, सच में? तो मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा यूनिक आइडिया है। एक मिनट, ये रहे पत्ते, ये तुम्हारा पत्ता, अपनी ख्वाहिश लिखो। मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। चले, उधर से ना फोटो बहुत अच्छी आती है। कहां पे? अच्छा एक मिनट, इतना भी क्या लिख रहे हो? कुछ इंपॉर्टेंट है। तो तूने मन्नत नहीं मांगी? तू तो हमेशा सच्चे प्यार की मन्नत मांगती है। मन्नत का पत्ता जितना मर्जी पक्का बांध लो, या प्यार को जितना दिल के करीब रख लो,
एक ना एक दिन पत्ता उड़ ही जाता है, और प्यार भी, और पीछे रह जाता है टूटा हुआ दिल। पता नहीं क्या मांगा होगा ऋषि ने। कहते हैं अगर मन्नत पूरी हो जाए ना तो चिनार का पत्ता हटा लेना चाहिए। तुम जानना चाहती थी मैंने क्या मांगा? मैंने ये मांगा। बहुत प्यार करते हो ना मेरी पोशाय से? मोहब्बत करता हूं। चलो फिर इसी बात पे हिट इट। रीवा? हाँ दादी आ गई, बस सुनील से बात करके बताती हूँ। सुनील ने इस रिश्ते को कभी रिस्पेक्ट दिया ही नहीं जितना आपने दिया है। सुनील ने अपना फर्ज कभी नहीं निभाया तो आप क्यों? श्रीवादी आपको बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है, और आज के बाद सुनील ने आपको कुछ कहा ना तो आप चुपचाप नहीं सुनेंगी। आप सब लोग को इतना खींच के रखते हो, सुनील को भी थोड़ा टाइट कर दो। तुम ना कुत्ते हो, तुम यूजलेस हो, एक नंबर के नकारा, बिजनेस में भी नकारा थे और मेरे साथ भी। इंसानियत के नाम पे धब्बा हो तुम, धब्बा। तुम ना कुत्ते हो कुत्ते। अच्छा सुनील मुझसे ऐसे बात मत करो। तो इसको बताइए तुझसे कैसे बात करनी है? मुझे तुझसे जैसे बात करनी होगी ना मैं करूंगा। जा यहां से। हां जा से। शायद आपकी बेटी के नसीब में भी आपकी ही शादी दोहराने लिखा है। जैसे उम्र भर आपने गुजारी एक शराबी के साथ, वही किस्मत मैं भी लिखवा कर आई हूं। मैं खुश हूं, सब ठीक है, जैसे राघव ठीक है अकेला। मैं तो खुश ही हूं, मुझे क्या हुआ है? देख ले मेरी शक्ल देख। ये इतनी अजीब डरावनी स्माइल मुझे मत दे। ये उन्हें दिखा जो तुझे जानते नहीं। प्लीज सच बोल, क्या चल रहा है? क्लिनिक में क्या हुआ मैंने सुना, तो ठीक तो नहीं? पर मैं बहुत ठीक हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, समझी ना? आज पूरे 4.5 सेकंड के लिए खड़ा हुआ मैं। हाँ रीवा बोल रही है कि 4 सेकंड के लिए था, लेकिन वो तो झूठी है, मस्ती करती है फालतू में। वैसे हम सोच रहे हैं कि आज डैड की शराब ना पीने की एनिवर्सरी मना लें सब लोग साथ मिलके, पूरा 1 साल हो गया ना। व्हाट? क्या बोलना? ठीक से बोलेगा, अंदर क्या चल रहा है तेरे, बोलना। मुझे राघव की इतनी टेंशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिखा रहा वो। कोई उम्मीद तो हो पर नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही। तुम्हें क्या लगता है उसकी उम्मीद किसने मारी होगी? मतलब क्या कहना चाहते हो? वरना किसी भी इंसान को ना जीने की एक वजह चाहिए होती है, तुमने तो राघव से उसकी वजह ही छीन ली।
वो लड़की उसके जीने की वजह नहीं, उसकी बर्बादी की वजह है। तू कितना ही झूठ बोल ले अपने आप से, जिस दिन से वो गई है तुम्हारी लाइफ से, तू मायूस रहता है। कैसे ठीक होगा अगर जीने की वजह ही नहीं होगी? मेरी पूरी फैमिली है मेरे पास, अरे तू है मेरे पास। दिन में 3-4 बार वीडियो कॉल करती है, मुझ पर हक जमाती है, मुझे डांटती है, ताने देती है, मेरा फुल टाइम पास करती है, ये मोटिवेशन नहीं है क्या? और प्यार? परिवार, परिवार है यहाँ, वो कहाँ जा सकते, उनकी तो मजबूरी है। बाय द वे तेरी भी मजबूरी है घंटों मुझसे वीडियो कॉल पे बात करके अपना टाइम वेस्ट करना। और जो ऐश चला गया ना उसको, वो आजाद है मुझसे भी और मेरी मनहूसियत से भी। लिसन लिसन लिसन, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ है ऐश, ये लिखा था नसीब में, ये लिखा था डेस्टिनी में, लेट्स एक्सेप्ट इट ना। अपने बेटे की बदनसीबी की वजह तुम हो, ये सब तुम्हारा किया धरा है मोइना। अतुल, अगर आज पश्मीना यहाँ होती ना तो वो राघव की ताकत बन गई होती, फिर उसे अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता था। वो अभी भी अच्छा ही है, इंप्रूव हो जाएगा, एटलीस्ट वो सेफ है, हमारे साथ है। तुम उसकी मुस्कुराहट को देख के अपने मन को मना लेती हो ना, उसकी आंखों का सूनापन तुम्हें दिखाई नहीं देता ना। मोइना, पश्मीना राघव की जान है और पश्मीना के बिना एकदम एकदम बेजान सा फिरता है वो। तू बहुत याद करता है ना उसे, क्यों छुपाता है? यार तू मुझे पका रही है आयशा, प्लीज यार अब पकाना बंद करना प्लीज। आज खुशी का दिन है, डैड इज सोबर फॉर 1 ईयर। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अब डैड ने शराब पीनी छोड़ दी तो मैं शुरू कर दूं क्या? देखिए बोर होता है बहुत ये बैठे बैठे इस चेयर में ना, कुछ तो एंटरटेनमेंट हो जाएगा, क्या बोलती है? एक थप्पड़ खाएगा, बकवास करता है। अच्छा ये सब छोड़, रिवादी कैसी है सुनील के साथ? वो अभी भी हाँ, पर वो बदल गया, आई मीन ऐसा रीवा बोलती है। आई रीवा खुश है ना, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। बाकी हम लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए। प्यार सब कुछ ठीक कर देता है राघव, यही तो मैं तुझे समझाने। अरे बस कर अपना लेक्चर आयशा, यू आर नॉट अ टीचर, यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रही प्यार इश्क मोहब्बत के ऊपर, तूने PhD कर रखी है क्या इस पे? स्टॉप इट। बस एक बात तो सुन ले, एक तरफा प्यार तो फिर भी आगे बढ़ सकता है, खुद को समझा बुझा के, लेकिन जब दोनों तरफ मोहब्बत हो ना तो फिर वो प्यार कहीं नहीं जाता। तू कितनी भी कोशिश कर ले तू उसे नहीं भुला सकता, और मुझे यकीन है पश्मीना का भी यही हाल होगा। 1 साल हो गया यश, आगे बढ़ चुकी होगी वो। उम्र बीत जाती है राघव, समय थम जाता है, 1 साल एक उम्र सा लगने लगता है। मैं तंग आ गई हूँ 1 साल से यही सब बातें सुन सुन के, वही ताने वही पश्मीना, मुझे नहीं सुनना। पर मैं तुम्हें हर रोज इस बात का एहसास दिलाता रहूंगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने किया है? राघव ने खुद उसे जाने को कहा था, और वैसे भी उनका प्यार इतना ही सच्चा होता ना, भगवान चाहते कि वो साथ में रहते तो वो कभी अलग होते ही नहीं। भगवान को भी पता था कि इनका प्यार बहुत कमजोर है, कमजोर नहीं होता ना तो मेरे बेटे को इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। इतना ही सच्चा होता ना इनका प्यार तो ये लोग अलग ही नहीं होते, पूरी कायनात मिलाती ना इनको। और इसी कायनात से ना मोइना मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ, हर रोज, कि वो इनकी प्यार की सच्चाई को समझे और दोबारा इनको मिला दे, और इस बार हमेशा हमेशा के लिए। हर रोज मोइना, हर रोज।
पारस भाई, तुम शादी के सपने देखना छोड़ दो, लड़की तुम्हें बस घुमा रही है। मैं तुम्हें वापस रिश्ता नहीं तोड़ने दूंगा पश्मीना। पारस, मुझे इस घर में तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती ये घर हड़पा है। शादी और तुमसे जो तुमने आज किया है ना, शादी तो क्या तुम दोस्त बनने के लायक भी नहीं हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.